सोचिए दुल्हन को कोई अकेले में ले जाता है, रिश्तेदार नातेदार, और एकांत में ऐसा कुछ बताते हैं कि दुल्हन जब वापस आती है तो वो शादी से इनकार कर देती है। अफरा तफरी का माहौल बनता है, बारातियों में हड़कंप मच जाता है। चलिए पूरा मामला बताते हैं। दुल्हन को अकेले में ले जाकर रिश्तेदारों ने बताई दूल्हे की कुंडली, असलियत पता चलते ही मंडप में तोड़नी पड़ गई शादी। शादी बारात को लेकर यूपी की अलीगढ़ से आई खबर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बारात आते ही कुछ रिश्तेदार दुल्हन को एकांत में ले गए और दूल्हे को देखकर कुछ ऐसा बताया कि दुल्हन भड़क गई। इसके बाद दुल्हन सीधे मंडप पहुंची और शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। दुल्हन का फैसला सुनते ही बारातियों में हड़कंप मच गया। दुल्हन को मनाने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में दोनों लोर से शादी नहीं करने का फैसला लिया गया। थाने में दोनों पक्षों ने लिखित में दिया कि वे सहमति से शादी तोड़ रहे हैं। इसके बाद बारात वापस लौट गई। मामला शहर के गांधी पार्क क्षेत्र के डोरी नगर के मैरिज होम का है। पुलिस के मुताबिक वैदिक विहार सासनी गेट के कारखाने में काम करने वाले आगरा रोड के युवक की शादी गांधी पार्क शास्त्री नगर की युवती से तय हुई। शुक्रवार को बारात डोरी नगर के विवाह स्थल पर पहुंची। सात फेरों की तैयारी चल रही थी तभी दुल्हन के कुछ रिश्तेदार आए और उन्होंने आते ही शादी का विरोध किया। दुल्हन को अकेले में ले जाकर बात की और उसे अपने साथ ले आए। यह देख दूल्हा पक्ष नाराज हो गया, जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद में थाना गांधी पार्क पहुंच गए। दूल्हा पक्ष की शिकायत पर पुलिस मौके पर और दुल्हन के घर पहुंची। वहां से दुल्हन व उसके परिवार को थाने ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक दुल्हन शादी न करने की जिद पर अड़ी रही। परिवार के नजदीकियों ने जानकारी दी कि लड़की अपनी मां के कहने पर यह शादी कर रही है। रिश्तेदारों ने उसे दूल्हे के बारे में कुछ बता दिया, संपत्ति की बात भी सामने आ रही है। बहरहाल थाने में दोनों पक्षों ने लिखित में दिया कि वह शादी तोड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार दुबे ने बताया कि शादी टूट गई, लड़की अपने परिवार वालों के साथ लौट गई और बारात भी लौट गई। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहें।